आज मैं पहुंच चुका हूं लोगड़ साहब गुरुद्वारा खंड बिलासपुर और जिला यमुनानगर हरियाणा के अंदर, और यहां पर एक विशेष सामूहिक तौर पर एक सत्संग जो है गुरुद्वारे के अंदर जो है किया गया है, कीर्तन किया गया है। और यहां पर जो रागी जत्थे हैं जो यहां पर जो है अपनी जो है प्रोग्राम यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर हमारे सामने मौजूद हैं। और आज हमने यहां पर आकर इस प्रोग्राम की जो है यहां पर जो है कवरेज करने की जो है ठानी थी। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रोग्राम जो है गुरु बंदा सिंह बहादुर जी के जो है विशेष दिवस को जो है समर्पित है। पूरी जानकारी लेंगे, क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कुछ जानकारी देनी चाहेंगे आज के इस दिवस के बारे में। समूह संगतान नू वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज का जो दिहाड़ा है वह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जन्म दिहाड़े को समर्पित है। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये समागम अज इतने किला लोहगढ़ जिला यमुनानगर विखे किया जा रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर वो सूरबीर योधे हैं जिन्होंने पहला सिख राज स्थापित किया सी, और सिख राज की पहली राजधानी इस किला इस स्थान पर बनाई गई सी, किला लोहगढ़ विखे। उन्हां दी याद विच असीं अज जो उन्हां दा जन्मदिन है, जन्म दिहाड़ा है, उन्हां दी याद विच हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने प्रधान जथेदार भुपिंदर सिंह जी असंध ते चेयरमैन धर्म प्रचार जथेदार बलजीत सिंह जी दादूवाल जी की अगुवाई दे विच असीं ये समागम जिहड़ा है इत्थे मना रहे हैं। अज का जो इतिहास है वो भी तुहानू दस दईए कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म स्थान जो है वो रजौरी दे विच है, जिला रजौरी रियासी दे विच, ते उत्थे उन्हां दा जन्म होया सी। उन्हां दा पहला नाम जिहड़ा सी लक्ष्मण देव सी। फिर जदों उन्होंने शिकार करदियां एक हिरनी मारी सी, उहदे बच्चे उन्हां दे सामने मरे ते उन्हां दे मन दे उत्ते बड़ा विराग होया। उस विराग करके वो तपस्वी हो गए ते उन्हां दा नाम जिहड़ा फिर तपस्या कीती उन्होंने जोगियां दे विच जाके ते उत्थे उन्हां दा नाम माधोदास पिया। जदों माधोदास पिया ते वह दखण दे इलाके दे विच नंदेड़ साहब दे इलाके दे विच चले गए। उत्थे उन्होंने डेरा बनाया सी ते जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चारे साहबजादे शहीद हो गए, सरहंद विच दो बच्चे कंधां विच चिन के शहीद कर दिते गए, दो चमकौर की जंग विच शहीद होए, तां फिर जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दखण पहुँचे उत्थे बंदा सिंह बहादुर दे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मुलाकात होंदी है। उत्थे फिर बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल उन्हां दे चरणी पैंदा, अमृत छकदा, सिंह सचदा, फिर उसका नाम बाबा गुरबख्श सिंह रखिया जांदा। तो फिर जदों बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ज्योति जोत समांदे ने तो उस तो पहला वह बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंज सिंह दे के पंज तीर दे के पंजाब वल तोरदे ने तां कि वह जुलम दा जिहड़ा मुकाबला कर सके ते जालम नूं सजा दे सके। तो फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब विच आंदे ने, इत्थे सिंह इकट्ठे करदे ने ते सरहंद दी इट नाल इट वजाई जांदी है। पर उस तो पहला सरहंद जितण तो पहला कैथल जितया जांदा है, ਸਢੌਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਢੌਰਾ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। सर, बड़ा अच्छा लगा सर ये इतिहास सुनकर कि कहीं ना कहीं जो है जैसे एक इंसान की विचारधारा बदल जाती है कि कहीं ना कहीं वो गलत कार्य पे लगा होता है, शिकार में लगा हुआ है, कुछ चोरी में लगा होता है, लेकिन जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान होता है कहीं ना कहीं सही रास्ते पे लगता है। ऐसा कुछ बंदा बहादुर सिंह बहादुर जी की उनके साथ जीवने में हुआ है। क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर, कहाँ कहाँ से संगत पहुँची, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतने जी पूरे हरियाणा तो संगत पहुँचिया ने, साढ़े स्कूल कॉलेज भी ने जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध अधीन गुरु अपना दशमेश खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल कपाल मोचन है, उतों भी संगत आई ने। गुरु तेग बहादुर खालसा हाई स्कूल है कैथल, उतों भी संगत आई ने। माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज किन्नी सिंह है, उतों भी आई ने। गुरु हरकृष्ण खालसा हाई खालसा कॉलेज है पंजोखड़ा साहब, उतों भी संगत आई ने। इस तरह ही संगत जड़िया ने कैथल, कुरुक्षेत्र, अपना तुसी ला लो अंबाला, नाडा साहब, पंचकूला, यमुनानगर, हरियाणा के कोना कोने तो संगत इतने पहुंचिया ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं
अपने अकीदत के फुल भेट करन दे लई उन्हां दा जन्म दिहाड़ा मनाउण दे लई, क्योंकि ये एक साडे इतिहास दे विच एक विलखण थां है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की। सर अंत में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के इस दिवस के बारे में, समूची साध संगत और दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के दिवस के उपलक्ष में? मैं अज के दिन के उत्ते यही बेनती करूँगा कि गुरु नानक पातशाह ने जो सिद्धांत दिता सी, किरत करो, वंड छको ते नाम जपो, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इस सिद्धांत नूं लागू करके दसिया अपने राज दे विच। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जो राज स्थापित किया तो इत्थे जगीरदारी सी, साडे जिहड़े लोग सन वह खेती दे लई उत्थे जिहनूं आपां कह लईए मुजारे सन, उन्हां कोल मलकीयत नहीं सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने सिद्धांत नूं लागू करके सिक्खी दे नूं उन्हां नूं मलकीयत दित्ती, जिहड़े मुजारे सन उन्हां नूं मलकीयत दित्ती, गरीबां नूं उच्चे चुकिया, एक सारता जिन्हों कहिंदे ना बराबरता, वो जो सिद्धांत सी गुरु नानक देव जी का उन्हों राज दे रूप दे विच स्थापित करके उन्हों लागू किया। असी यही सारी संगत नूं बेनती करांगे कि जो सभ्य सांझी वायल सदायण कोए ना दिसी बाहरा जी का जो सिद्धांत है उस नूं आपां सारे मनीए, बराबरता दे उत्ते सब नूं मनीए, ये जिहड़े मनुख है जो इंसान है वह सारे बराबर ने, सब दे विच लहू लाल है, सब का जन्म जिहड़ा उस अकाल पुरख की मेहर नाल होया। इस करके आओ आपसी जो अपनी जो घिरना पैदा हो रही है, जो आपसी नफरत पैदा हो रही है, आओ गुरु नानक के सिद्धांत को मान के आप उस घिरना स्थापित जिहड़ा समाप्त करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि समुची साध संगत जी के द्वारा जो है यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के जो जन्मदिवस पर जो है विशेष संदेश यहाँ पर दिया और गुरु नानक देव जी के जो है जीवनी पर और उनके ज्ञान पर यहाँ पर प्रकाश डाला। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस खबर को इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर दिन है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, खंड बिलासपुर, लोगड़ साहिब, गुरुद्वारा।